हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा अभिप्सा टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ग्रामर के पार्ट्स, जिसमें हम एक एक ग्रामर को डिटेल से समझे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैच द फॉलोइंग, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे सेंटेंसेस को मैच करने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है आपका 5 नंबर का आता है और इस तरह से होता है, मैच द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें क्या बनाने होते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी की जो फ्रेजेस है या सेंटेंसेस है, इन्हें हमें मैच करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बने। तो इसके लिए टेंस की आवश्यकता होती है, अनुवाद को थोड़ा बहुत जानने की आवश्यकता होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं और मीनिंग को समझते हैं ताकि हमें समझ आए कि इसके साथ कौन सा फिट हो रहा है। तो देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट है सी लिव्ड इन गोवा। अब देखिए इसका अनुवाद देखेंगे तो क्या होगा, वो गोवा में रहती थी। कब रहती थी, तो देखिए यहाँ पे मैच करके देखिए, एज इट डिड नॉट रेन एट ऑल, ये मैच नहीं हो रहा है। सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ये भी मैच नहीं हो रहा है। सो ही वॉज नर्वस, ये भी मैच नहीं हो रहा है। बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली, यहाँ पे देखिए, यानी वो दिल्ली में शिफ्ट होने से पहले गोवा में रहती थी, तो ये मैच हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से मैच नहीं करने हैं। आपको कैसे मैच करने हैं, तो आपको इसका आंसर यदि ये है तो इसके सिद्ध में आपको इसे ऐसे लिखना होगा। इसका आंसर अगर जो भी होगा उसको इसके सिद्ध में इधर लिखना है। इसका आंसर जो होगा वो इसके सिद्ध में, इसका आंसर इसके सिद्ध में, इसका आंसर इसके सिद्ध में, ठीक है। ऐसे आपको मैच नहीं करने हैं, हालांकि मैं समझाने के लिए आपको ऐसा दिखा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वी अराइव्ड लेट फॉर द शो, हम शो के लिए लेट पे पहुंचे। अब देखिए, As it did not rain at all, ये तो मैच नहीं हो रहा है। So we went to a restaurant, ये भी मैच नहीं हो रहा है। So he was nervous, ये भी मैच नहीं हो रहा है। Because my friend had gone to visit his uncle, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो अपने अंकल के पास मिलने गया था, इसी वजह से क्या हुए, हम शो के लिए लेट पे पहुंचे, तो ये वाला मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। वैसे ही द ग्रास वॉज येलो, जो घास है वो कैसा था, वो येलो था, पीला था। क्यों था, एज इट डिड नॉट रेन एट ऑल, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी इसलिए घास येलो था, तो ये इसके साथ मैच हुआ, तो इसका आंसर ये वाला हो गया। वैसे वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, हमने कुछ भी नहीं खाया था। सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, इसलिए हम कहाँ गए, इसलिए हम रेस्टोरेंट गए। हमने कुछ भी नहीं खाया था इसलिए हम रेस्टोरेंट गए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना, ठीक। तो ऐसे करण हैड नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट, अब इसका तो लास्ट यही है, सो ही वॉज नर्वस। अब जो करण है वो टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं किया था, इसके लिए वो क्या था, वो नर्वस था, लज्जित था, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है मीनिंगफुल सेंटेंसेस मैच करा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये ऐसा आपका 5 नंबर का आने वाला है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से मैच नहीं करने हैं, आपका जो आंसर रहेगा उसको उसके जस्ट सिद्ध में लिखने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, आई हैड नेवर बीन अब्रॉड, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं कभी भी बाहर नहीं गया था। व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड, नहीं होगा। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये भी सही नहीं है। बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर, देखिए सिंगापुर विजिट करने से पहले मैं कभी भी बाहर नहीं गया था, विदेश वगैरह नहीं गया था, ऐसा होगा। तो ये इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा, बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर। नेक्स्ट है आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका था। कब, व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड, नहीं। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये भी नहीं होगा। व्हेन द रेन स्टार्टेड, ठीक इसके साथ मैच हो सकता है। तो आई हैड रीच्ड होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश स्टार्ट हुई, बारिश जो है प्रारंभ हुई, तो मैं घर पहुंच चुका था। जब बारिश स्टार्ट हुई तो मैं घर पहुंच चुका था। नेक्स्ट द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो ट्रेन है
वो छूट चुकी थी कब, तो when the announcement was made ये होगा, या फिर before I reached the station, तो ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब before I reached the station, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। I had completed my work, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, कब, when the announcement was made, या फिर and then I went to sleep, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है, मैंने अपना जो वर्क है उसे मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड देन आई वेंट टू स्लीप, उसके बाद मैं सोने के लिए गया। मीनिंगफुल सेंटेंस, दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट व्हेन द अनाउंसमेंट वाज मेड, अनाउंसमेंट होने से पहले ही वो जो है फ्लाइट पे सवार हो चुका था, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, सी वाज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा इतनी थकी हुई थी कि सो दैट यू में पास नहीं होगा, वेयर द मैच ये भी नहीं होगा, यानी वेयर द मैच विल बी प्लेड ये नहीं होगा, दैट सी कुड नॉट रन, हाँ ये होगा, वो इतनी थकी हुई थी कि सी कुड नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकती थी या वो नहीं दौड़ सकी, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। वैसे आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड का इंतजार किया, सो दैट यू मे पास नहीं होगा, वेयर द मैच विल बी प्लेड ये भी नहीं होगा, है ना, वी सेल स्टेट होम ये भी नहीं होगा, टिल ही अराइव्ड उसके पहुंचने तक, टिल मीन्स तक, उसके पहुंचने तक मैंने अपने फ्रेंड का इंतजार किया, तो ये वाला आंसर सही होगा, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल ही अराइव्ड। नेक्स्ट, वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, कठोर परिश्रम करो, पढ़ाई करो, कठोर परिश्रम करो, सो दैट यू मे पास, ताकि आप पास हो जाओ, ठीक है, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करो ताकि आप पास हो जाओ, आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको टॉप में आना है, ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आने हैं, ताकि आप अपना, अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके, अपने शहर का, अपने राज्य का नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके। नेक्स्ट है, दिस इज द स्टेडियम, यह स्टेडियम है वेयर द मैच विल बी प्लेड, जहां पे मैच खेला जाना है। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी तब क्या होगा, वी शैल स्टे एट होम, हम अपने घर पे रुकेंगे, स्टे करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, I found the house locked. मैंने घर को कैसा पाया, मैंने घर को locked पाया, कब, Until you give him money, इसमें मैच नहीं होगा, Bring me that book, ये भी नहीं, When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने घर को lock पाया, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। Next, If you speak too much, यदि तुम इतना ज़्यादा बोलोगे, यदि तुम इतना ज़्यादा बोलोगे तब क्या होगा, You will be caught, ये इसके साथ मैच हो रहा है, तुम पकड़े जाओगे, ठीक है। As soon as he saw a lion, अब जैसे ही उसने लायन देखा तब क्या हुआ, तब वो क्या करेगा, He ran away, वो क्या करेगा, भागेगा ना, वो भाग गया, जैसे उसने लायन को देखा वो भाग खड़ा हुआ, भाग गया। Whenever you go to market, जब कभी भी तुम मार्केट जाओगे या जाते हो तो क्या होगा, Until you give him money, नहीं होगा, Bring me that book, मेरे लिए वो बुक लेकर के आना, तो इसके साथ ये मैच हो रहा है। Next, the beggar will not go away, जो beggar है, भिखारी है, वो नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, Until you give him money, जब तक आप उसे पैसे नहीं दोगे, भिखारी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, यानी वो नहीं जाएगा। Next देख लेते हैं, the train had left, ट्रेन जो है छूट चुकी थी, When you called me before she shifted to Delhi, नहीं होगा, before I reached the station, तो इसका आंसर ये होगा, इसे हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। After I had completed my work, I went to sleep, ये सही होगा। वैसे ही she had lived in Dhamtari, वो धमतरी में रहती थी, before she shifted to Delhi, ठीक है। We had not eaten anything, हमने कुछ भी नहीं खाया था, so We went to the rest. We went to a restaurant. ठीक है। I had gone to market when you called me. जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं मार्केट गया हुआ था। So इस तरह से मैच कर सकते हैं।
Now, let's see next. They had already boarded the flight. तो वो पहले से ही फ्लाइट में सवार हो चुके थे when the announcement was made. ठीक है. When I reached the theater, जब मैं थिएटर पहुंचा तब क्या था? Because ये तो आएगा नहीं. Because guest came to my home, because he needed it, I missed the first song. ये वाला सही होगा. जब मैं थिएटर पहुंचा तो क्या हुआ था? I missed the first song. मैंने first song को miss कर दिया था. As I reached home, जैसा कि मैं घर पहुंचा, तब क्या हुआ? It started raining. ये इसके साथ मैच हो रहा है. We arrived late for the show. हम show के लिए, means show में हम late में पहुंचे. ठीक है? क्यों? Because guests came to my house या because he needed it. तो ये वाला इसका जो आंसर होगा वो ये होगा. Because guests came to my house, क्योंकि जो गेस्ट रहती थी वो हमारे घर आए हुए थे, मेरे घर आए हुए थे, इसलिए हम जो है सो के लिए लेट पे पहुंचे. I gave him the book, मैंने उसे बुक दिया. Because he needed it, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता थी. इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं. I had never been abroad, मैं कभी भी बाहर नहीं गया था. बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर. देखिए कई चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. तो ये हर साल, यानी साल में ये लगभग रिपीट होते रहते हैं एक दो साल में, तो आप हमेशा ध्यान रखिए. ठीक है? तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं. सो इसीलिए यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं. आई हैड रिच्ड होम वेन, कौन सा आएगा? आफ्टर द बेल हैड रैंग, या फिर सो ही वॉज नर्वस, या फिर एंड देन आई वेंट टू स्लीप, या फिर व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश जो है, जब बारिश स्टार्ट हुई तब मैं जो है घर पहुंच चुका था. वैसे आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कर चुका था. एंड देन आई वेंट टू स्लीप, उसके बाद मैं कहाँ गया? फिर मैं जो है सोने के लिए गया. ठीक है? ऑल ऑफ अस रैन आउट ऑफ द क्लास, हम सभी जो है दौड़ते हुए क्लास के बाहर गए. कब? आफ्टर द बेल हैड रैंग. तो इसका आंसर ये होगा, यानी इसके साथ मैच होगा. जैसे घंटी बजी, घंटी बजी उसके बाद हम दौड़ते हुए क्लास से बाहर गए. करण हैड नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट, सो ही वॉज नर्वस. सो इस तरह से हम जो है जो सेंटेंसेस है, कॉलम ए के सेंटेंसेस और कॉलम बी के सेंटेंसेस या फ्रेजेस, उनको अच्छे से मैच कर सकते हैं और मैच करके हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. ये वीडियो आपको बहुत ही आकर्षक एंड ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा. तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम हमेशा आपके साथ लगे हुए हैं. हमारी टीम आपको ढेर सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सके. सो इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए. मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.